चाय ली हमने 10 रुपए की और ऑनलाइन करी है भाई। फाइनली हम राजस्थान के अंदर एंटर हो चुके हैं और भाई मेरे बाहर जो व्यू आ रहा है ना, अगर मैं दिखाऊं एक नंबर है भाई ये। और अभी अपनी ट्रेन है भाई मथुरा से, मथुरा बाड़मेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। तो भाई ये खड़ी हुई है भाई हमारी मथुरा सुपर फास्ट, मथुरा बाड़मेर सुपर फास्ट। और हद हो रही है अपने पूरी, मतलब ये सेंट्रल इंडिया हो गया ना, बहुत ज्यादा गर्म है इधर, ऑलमोस्ट 40 डिग्री से तो प्लस ही रहता है। पेटिस और ये लस्सी और एक ये ब्रिटानिया। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। सो भाई आज से हमारा भाई नया सफर शुरू हो रहा है। तो भाई मैं अभी हूँ मथुरा जंक्शन पर और ये आप लोग देख रहे होंगे तो ये मथुरा का रेलवे स्टेशन है भाई। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है यार, मैं तो देख के हैरान हो गया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और मतलब प्लेटफॉर्म इतने सारे, ये 9वां ये 10वें पे खड़ा हूँ क्योंकि इधर थोड़ी सी शांति है। मैंने सोचा थोड़ा सा आउट में आके बनाता हूँ क्योंकि उधर की साइड बहुत ज़्यादा बाहर बहुत ट्रैफिक था और अंदर की साइड भी ये जो माइक पे भाई बोल रहे थे। सो भाई आप लोगों की बहुत लोगों की मतलब शिकायतें हैं कि भाई तुम डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालते, और मेरे को भी लगता है कि यार मेरे को डेली ब्लॉग डालना चाहिए। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं भाई फॉरेन कंट्री के, मतलब जो मेरे से फॉरेन ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, कोई भी मतलब जैसे अपने जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स रहते हैं वैसे। बट मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि वीज़ाज वगैरह की इशू आ रही है, तो क्या है मैं एक दो देश में नहीं जाना चाहता, एक ही बार में 5 से 10 देश में जाना चाहता हूँ। मतलब 5 से 10 तो बहुत हो गए, 4 से 5 तो भाई वीज़ा मेरे को चाहिए, तो बहुत जल्द आपको वो भी मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक जितने भी गांव लगते हैं, जितने भी एडवेंचरस प्लेसेस हैं, ट्रेन्स चलती हैं, जो भी होने वाला है ना एडवेंचरस प्लेसेस वगैरह पे, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, जिसके अंदर 2 स्टेट आने वाली है, मे बी 3 भी हो सकती है, गुजरात भी जोड़ लेंगे। बट अभी जो है मेरी जो कन्फर्म है वो है अपनी एक राजस्थान है, एक पंजाब, उसके जितने बॉर्डर वाले एरिया हैं सब आएंगे। और एक चीज़ और कि डेली व्लॉग की बोली ना, तो डेली व्लॉग आएंगे शाम 6 बजे, तो इसको ज़रूर देखना। और अभी अपनी ट्रेन है भाई बाड़मेर, यहाँ से चलेगी मथुरा से, मथुरा बाड़मेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जिसका नंबर है गाड़ी का 20490, ये इस ट्रेन का नंबर है, जिसके अंदर 30 हॉल्ट आने वाले हैं। मतलब मथुरा से लेके बाड़मेर का एंड टू एंड जो हमारी जर्नी होने वाली है उसमें 30 हॉल्ट है, तो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। बट ब्लॉग्स को एंजॉय करना और भाई मिलते हैं आपसे जब अपनी ट्रेन आती है। वैसे 1 घंटे बाद ट्रेन है, अभी फ़िलहाल टाइम अगर देखोगे तो 2:50 हो रहे हैं, जहाँ से चलती है मथुरा से ये अपनी 3:45 पे, तो ट्रेन पकड़ते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और ये भाई प्लेटफॉर्म नंबर 10। तो भाई ये खड़ी हुई है भाई हमारी मथुरा सुपर फास्ट, मथुरा बाड़मेर सुपर फास्ट, और इसी के अंदर है अपना जो S2 और सीट नंबर मे बी 20 है, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि अभी कंफर्मेशन का मैसेज आया। अभी इसमें 15 से 20 मिनट और डले हैं इसको निकलने से। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है यार यहाँ पर, हद हो रही है अपने पूरी, मतलब ये सेंट्रल इंडिया हो गया ना, बहुत ज़्यादा गर्म है इधर, ऑलमोस्ट 40 डिग्री से तो प्लस ही रहता है। दिल्ली बाड़मेर मथुरा, करेक्ट 3:45 पे अपनी ट्रेन ने डिपार्ट कर दिया है मथुरा जंक्शन, और अभी अपन लोग डिपार्चर कर रहे हैं। हाय बाय मथुरा भाई, मिलेंगे भाई नेक्स्ट टाइम। अभी तक मैं 2 बार आया हूँ इधर और दोनों ही बार जस्ट ट्रेन पकड़ने के लिए, बट अगली बार आऊँगा भाई जो मथुरा पूरी सिटी है उसको घूमेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे मथुरा शहर के और वृंदावन के। बट फिलहाल अभी तो हम राजस्थान का सफ़र अपना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का शुरू कर रहे हैं, तो बाय बाय बोलना पड़ रहा है। हमारी जर्नी का दूसरा हॉल्ट आ गया है गोवर्धन, ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, तो ये भाई दूसरा हॉल्ट, पहला था भूतेश्वर, उसको मैंने कवर नहीं किया और जो मेन है उसी को कवर करने वाला हूँ। और भाई ये सारे जर्नल डिब्बे वाले हैं जितने भी हैं, ये भीड़ वगैरह है। भाई 2 मिनट का हॉल्ट था गोवर्धन रेलवे स्टेशन पे और हॉन्क दे दिया भाई, डिपार्चर भी हो गया अपना गोवर्धन रेलवे स्टेशन से। और मैं भाई मेन जो रेलवे स्टेशन है जस्ट उसी को कवर करने वाला हूँ, जिसमें 7 से 10 के बीच में रेलवे स्टेशन है जिसको मैं कवर करूँगा, बाकी जो 30 है टोटल रेलवे स्टेशन उसमें से 10 जस्ट मेन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे छोटी छोटी जगह पर भी रुकेंगे तो उनको मैं स्किप करने वाला हूँ, तो उनको मैं कवर नहीं करूँगा। बाकी अभी भाई इंजॉय करो इसको, उसके बाद भाई आएगा बिल्कुल रेगिस्तान वाला एरिया, तो रेगिस्तान भी दिखाएंगे, पूरा का पूरा बंजर पड़ा होगा। मैं भी बाड़मेर तक तो नहीं हूँ बट फिर भी देखेंगे, उसके आगे तो हमारी जर्नी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की होगी। और अभी भी मथुरा डिस्ट्रिक्ट है वही चल रहा है, मतलब मथुरा के अंदर ही है अभी हम लोग। मथुरा के अंदर ये छोटा सा कोई एक रेलवे स्टेशन था, एक भूतेश्वर पड़ा था और दूसरे नंबर पर गोवर्धन था,
तो अभी गोवर्धन के बाद अभी हम लोग मे बी एंटर कर जाएंगे राजस्थान के अंदर। भाई फाइनली हम लोग राजस्थान के अंदर एंटर हो चुके हैं और भाई मेरे बाहर जो व्यू आ रहा है ना, अगर मैं दिखाऊं तो एक नंबर है भाई। ये चेक करो भाई, ये सारा का सारा एरिया जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है और हम लोग अलवर पहुंचने वाले हैं। और बीच में मैंने जो है 8 स्टेशन में से 2 स्टेशन कवर करे थे जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर थे। पहला राजस्थान का स्टेशन आने वाला है अलवर और ऑलमोस्ट 9th रेलवे स्टेशन है ये। 30 में से ये 9वें नंबर का जो कि थर्ड, मतलब 3 मैंने अभी तक कवर करे हैं। भाई एकदम व्यू चेक करो यार, इतना ग्रीन तो भाई हमारी एमपी के अंदर भी नहीं है यार जितना ग्रीन इधर है। और भाई ऊपर से सनसेट हो रहा है और मस्त व्यू दिख रहा है। अगर मैं टाइम बताऊं तो भाई टाइम चेक करो, 6:14 हो रहे हैं और बस यही टाइम पे अलवर पहुंचना था, बट अभी तक 15 मिनट लेट चल रही है ट्रेन, इसलिए थोड़ा सा आउटस्कर्ट में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा भी हम लोग पीछे हैं, ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर अलवर शहर से। और व्यू चेक करो यार, क्या मस्त व्यू है। हमने 10 रुपए की और ऑनलाइन करी है। और भाई व्यू देखो, चेक करो, और ये चाय हो नजारे भाई यही है। और सामने जो आपको हिल दिख रही है, अगर अभी नहीं, हाँ भाई ये चेक करो, ये जो हिल है भाई इसको बोलते हैं अरावली, जो पर्वतमाला है वो ये आपको पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका नाम ही भाई अरावली पर्वतमाला, यानी कि पर्वत तो है ही है, छोटी हिल्स है और काफी भाई लंबी है ये। अगर देखो तो ये देखो कितनी दूर तक देखते रहोगे, सारी एक दूसरे से जॉइंट ही है भाई, और एक ही साइड में नहीं है, दोनों साइड में। और भाई ये व्यू चेक करो और साथ में चाय, इंडियन रेलवे की नहीं, नेस्कैफे। सो भाई फाइनली स्वागतम आपका भाई अलवर जंक्शन में, अलवर शहर के अंदर भाई हम लोग एंटर हो गए हैं। और भाई भीड़ चेक करो यार। सो भाई अगर स्टेशन कोड की बात करें तो स्टेशन का कोड है AWR और ये भाई अलवर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है। यहाँ पर भाई ऑलमोस्ट 3 मिनट का इसका हॉल्ट है और 3 मिनट बाद ये यहाँ से निकल जाएगी। तो अगर टाइम बताऊँ तो टाइम अभी हो रहा है भाई ऑलमोस्ट 6:25 पे हम लोग पहुँचे हैं। वैसे इसका टाइमिंग था 6:15, 10 मिनट लेट आई है और 3 मिनट में ये यहाँ से डिपार्ट कर देगी। भाई इसका 11वां हॉल्ट आ गया है बस वा, और हम लोग एंटर हो गए। भाई काफ़ी छोटा सा है बट ज़्यादातर तो इधर भी जो है जर्नल के लिए भीड़ वगैरह रहती है। सो भाई फाइनली हमारा डिपार्चर हो गया है बसवा रेलवे स्टेशन से। ये हमारा 11वां हॉल्ट था इस ट्रेन का जो कि मथुरा से बाड़मेर के बीच में चलती है। और ये गया भाई बसवा। और भाई मौसम चेक करोगे तो ना, अगर आपको स्मेल आती तो मैं बता देता कि यहाँ पर स्मेल भाई बारिश की, यानी कि मिट्टी की स्मेल आ रही है जो कि बारिश के बाद आती है, तो हल्की हल्की वैसा स्मेल सी आ रही है। और मौसम भी भाई ऐसा हो गया जैसे बारिश वगैरह हो सकती है। भाई 9 बज गए हैं करेक्ट, और इसका टाइम था जयपुर आने का ऑलमोस्ट 8:50, बट 10 मिनट लेट चल रही है और हम लोग अभी जयपुर शहर के अंदर पहुंच गए हैं। ये जयपुर का शहर है और रेलवे स्टेशन आ गया है, दूसरी साइड है। मैं इधर से देख लो यार, अभी पीछे थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है। तो भाई वेलकम टू जयपुर जंक्शन, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट का हॉल्ट है और खाने पीने के लिए यहीं से लेंगे हम लोग, क्योंकि इसके बाद तो भाई डायरेक्ट सो जाऊँगा और सुबह मिलूँगा बाड़मेर में। और इसके अगर स्टेशन कोड की बात करें तो स्टेशन कोड है इसका JP और 10 मिनट रुकने वाली है। और मेन हॉल्टों में से एक हॉल्ट है भाई अपना जयपुर जंक्शन, इसके पीछे मैंने काफ़ी सारे जो स्टॉपेज थे वो स्किप कर दिए थे। और ये 16वां हॉल्ट है इस ट्रेन का, लगभग आधी से ज़्यादा हमारी जो जर्नी है वो कवर हो गई है। और अभी नीचे उतरते हैं और खाने पीने के लिए लेके आते हैं भाई। पेटिस और ये लस्सी और एक ये ब्रिटानिया केक, एक ये पानी की बोतल ले ली है और अभी बैठते हैं भाई अपनी ट्रेन में।
तो भाई हमारा डिपार्चर हो गया जयपुर से और ऑलमोस्ट 20 मिनट रुकी 10 मिनट की जगह, बाकी अगर दिखाऊं तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अगर तो मैं उठ गया टाइम पे रात को, 2-3 बीच में बड़े बड़े हॉल्ट आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो भाई फिर सीधा सुबह बाड़मेर पहुंचेंगे और बाड़मेर दिखाऊंगा। बाकी अभी हमने डिपार्ट कर दिया है, पूरा का पूरा स्टेशन है पीछे रह गया और जल्द आएंगे भाई इधर। इधर तो मैं 3-4 बार आ गया वैसे, जयपुर घूम लिया, ब्लॉग वगैरह शायद मैंने बनाए हैं शायद, हाँ चेक कर सकते हो आप लोग जाकर। बाकी मिलते हैं भाई बाड़मेर या फिर जब भी नींद खुलेगी तब। अभी मैं जाता हूँ भाई सोने होने के लिए। भाई सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, लाई से हम लोग निकल गए हैं और ये ऑलमोस्ट बीकानेर के अंदर ही पड़ता है। बीकानेर शहर है जो बस यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया होगा। और ये राजस्थान के भाई रंग देख लो भाई साहब। अभी जस्ट मैं सुबह सुबह अभी उठा था। तो गाइस फाइनली हम लोग राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ये ऑलमोस्ट आपका समझ लो पाकिस्तान बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ से हम लोग भाई कल शुरू करेंगे सफ़र अपना मूनाबाव के लिए। तब तक के लिए भाई जय हिंद वंदे मातरम। आज का सफ़र बस यहीं तक ही था और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।